हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ सिद्धार्थ दवे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी एनसीईआरटी, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्पिटेंट होस्ट, विच इज अ टूल ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट देर आर थ्री टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट टूल इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, the second tool is the cloning vector, and the third tool is the competent host. Friends, we have already discussed the restriction enzyme and the cloning vectors in our earlier video, jo aap logon ne shayad dekh liya hoga. Agar nahi dekha to pehle usko dekh le taki aapko competent host mein pata chale. Okay, and today we are going to discuss about the competent host. Okay, but before that, friends, if you are really serious about learning biology and biotechnology, make sure that you hit that like button, because that tells me that I should make more videos on biotechnology. Okay, so please like my video. Okay, see, so chaliye start karte hain. First of all, before going to discuss about competent host, we need to revise the steps of recombinant DNA technology. The first step is the isolation of genetic material. Second is the construction of recombinant DNA molecule. Third is the transformation of recombinant DNA molecule into host bacteria. Fourth one is the multiplication of recombinant DNA molecule into host. And the fifth is the cloning. Okay, so these are the steps. फर्स्ट स्टेप में तो हमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हमें आइसोलेट करना होता है। नाउ द मेन थिंग इज इन द सेकेंड स्टेप, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट। ओके, यहां पर हमें क्या करना है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था उसको हमें ट्रांसफॉर्म करवाना है कोई पर्टिकुलर होस्ट बैक्टीरिया में, और वो जो होस्ट है हमारा वो है यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, बट हियर द बिग क्वेश्चन अराइज इज दैट डज द ई कोलाई बैक्टीरिया एक्सेप्ट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वेरी इजिली। हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमने जो बनाया है वो ई कोलाई बैक्टीरिया इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा? द आंसर इज नो। ओके, व्हाई? बिकॉज़ सी, हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है, जब हम इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवाते हैं तो वो इजीली ट्रांसफर नहीं होता है। द आंसर इज नो। तो हियर द क्वेश्चन इज अराइज that why it will not accept our recombinant DNA molecule very easily, और इसका answer छिपा हुआ है DNA के nature में, right? Because DNA is the hydrophilic molecule, hydrophilic यानी loving, वो water loving molecule है। और अगर आप plasma membrane देखो bacteria का, okay, when you see the structure of the plasma membrane, आप देख सकते हो यहाँ पर कि विच इज मेड अप ऑफ द लिपिड बायलेयर, यानी कि लिपिड का पूरा बना हुआ है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द मॉलिक्यूल विच इज लिपोफिलिक यानी कि लिपिड लविंग होगा, इट विल इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट द मॉलिक्यूल विच इज अ हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होगा जो मॉलिक्यूल, इट विल फाइंड डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि क्यों आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट में एंटर नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, चलो इस सब पूरी जो थियोरी थी उससे आपको एक चीज पता चल गई कि दिस इज द रीजन व्हाई योर डीएनए विल नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वी नीड टू ट्रीट दिस होस्ट बैक्टीरिया इन सच अ वे दैट इट विल एक्सेप्ट आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, और इसी प्रोसीजर के दौरान हम जो सेल्स बनाएंगे वो सेल्स कैसे होंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट कहे जाएंगे, राइट। कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि ऐसे होस्ट बैक्टीरिया विच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट आवर डीएनए वेरी इजिली। ओके, so today by the end of this video you will learn
that how to make the cell competent. Okay, see, this is the procedure by which you can make the cell competent. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यू नीड टू ट्रीट द होस्ट सेल विथ अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके, विच इज एक्ट एज अ डाइवेलेंट कैटायन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 50 मिलीमोलर. तो सबसे पहले आपको होस्ट को ट्रीटमेंट देनी होगी. यहाँ पर जो भी आपका होस्ट है उसको सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट देनी होगी, राइट? दिस ट्रीटमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, ओके, विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन दैट सेल वॉल. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट इंक्यूबेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विथ सच सेल्स ऑन आइस. मतलब कि आपने अभी जो कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दिया जिस होस्ट बैक्टीरिया को, उसके साथ आपको आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको इंक्यूबेट करवाना है ऑन अ आइस. और इस इंक्यूबेशन से क्या होगा कि योर डीएनए कैन बी forcefully enter into the cells. After that, you need to give a heat shock by placing them briefly at 42 degree centigrade temperature. Okay, and at the end of this step, you need to put them back on a ice, which enables the bacteria to take up the recombinant DNA molecule. So this is the procedure by which you can make the cell competent. सबसे पहले आपने क्या किया? Host को कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस के साथ ट्रीटमेंट दिया. ओके, अब ऐसे जो सेल्स बने उनको आपने इंक्यूबेट किया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आइस पे, राइट? आफ्टर दैट यू नीड टू गिव हीट शॉक बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड आफ्टर दैट पुटिंग देम बैक ऑन अ आइस. मतलब कि देखो, सबसे पहले आइस पे, फिर हीट शॉक दिया और फिर आइस पे रखना है, राइट? तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन क्रिएट दी competent cell. Okay, and at the end of this procedure, right, your DNA can your host cell can easily take up your DNA. You can say that simply this is the procedure by which you can alter the cell wall composition. Permeability आप change कर सकते हो ताकि आपका recombinant DNA easily enter हो सके. This is the standard procedure, right, for making the bacteria permeable to DNA. Okay, some other methods are also involved, like a micro injection. Okay, in this method your DNA can be directly injected into the nucleus of the animal cell. Okay, generally animal cell ke liye micro injection technique use ki jati hai, and this is the, I can say that, most interesting technique, micro injection. Okay, second technique hai jisko bola jata hai biolistic or gene gun method. इसमें आप देख सकते हो फिगर में, जैसे कि जीन गन बैरल होता है, वहां पर आपको जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, उसको कोटिंग करवानी पड़ती है बाय हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन. यानी कि आपको हाई वेलोसिटी पार्टिकल सिलेक्ट करने होंगे, या तो गोल्ड ले लो या टंगस्टन ले लो. ओके, और इस पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का कोटिंग करवाना है, द डीएनए विच यू वॉन्ट टू ट्रांसफर इन टू द टारगेट सेल. और इसको ये जो जीन गन बैरल है उसमें ले लेना है, एंड देन यू नीड टू बॉम्बार्ड दिस डीएनए कोटेड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन इनटू योर टारगेटेड प्लांट सेल. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप अपना जो जीन है वो ट्रांसफर करवा सकते हो, राइट? फ्रेंड्स, माइक्रो इंजेक्शन जनरली एनिमल सेल के लिए यूज होता है, और बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड जनरली यूज होता है प्लांट्स के केस में, राइट? एंड द थर्ड मेथड इज द डीसाम पैथोजन वेक्टर, जिसमें कि रिट्रोवायरस एंड टीआई प्लाज्मिड यूज होता है, जिसमें कि रिट्रोवायरस एंड टीआई प्लाज्मिड की जो कंपीटर जो उसकी एफिशिएंसी है इन्फेक्शन की, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको नॉर्मल किया जाता है, एंड देन इट विल अलाउ टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल. ओके फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.